पहले आपने आलू बॉईल करने हैं, चार आलू लेने हैं आप बड़े, उबाल के उसको मैश कर लें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर इसके अंदर जो हम मसाला मिलाते हैं वो बताते हैं, थोड़ा सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च, मामूली सी हल्का सा जीरा, हल्का सा जीरा, सही। दूसरा स्टेप में एक मसाला और मिलाते हैं, ये देखें ये मसाला है, इसमें चिकन, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, तीन चीजें हैं, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी और हरी प्याज, चार चीजें। तो भाई ये हो चुका है और अब अब हम बताते हैं दूसरा स्टेप कि ये मसाला कैसे बना है। इसके बाद आप फ्राई पैन में चिकन डाल के, तेल डाल के चिकन डालेंगे, हल्का सा चिकन को सोते करेंगे। उसके बाद आप ये सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां डालने के बाद आपने इसमें सोया सॉस, सिरका और ये डालने हैं, तीनों सूप जो सूप के भी होते हैं ना, सही, कुटी हुई काली मिर्चें और ये डालना है आपने चिकन पाउडर थोड़ा सा, तो हल्का सा फ्राई करेंगे, इसकी शक्ल की आ जाएगी, सही। ये आपने तैयार कर दिया, डन हो गया। आप इसको इसमें मिला देंगे, अब हम इसको एंड में इसमें मिला देंगे। तो कर दिया यहाँ पर मिक्स, आप मिक्स करें, फिर हाँ। बाद में ये देखें ये हो गया मैश अच्छी तरीके से। आप ऐसा करेंगे, इसको हल्का सा लेंगे, छोटे छोटे से बॉल बनाने, ज्यादा बड़े नहीं। ये तो बता दो ये तीन चीजें क्या है? तीन चीजें चीज है, चीज ये हो गई, ब्रेड क्रम्स है और ये अंडा है। चीज क्या आपने बिजनेस कर ली है और ब्रेड का भी चूरा किया? नहीं, ब्रेड का ये रेडीमेड है, रेडीमेड लिया। चीज बॉल, चीज के क्यूब्स उठाने, एक चीज का क्यूब उठाया, उठा के सही आप बीच में इसके रख के सही फोल्ड कर देंगे, फोल्ड। मैं असल में छोटे बॉल बनाती हूँ, आप इससे बड़े भी बना सकते हैं। इसको ऐसे करते रहेंगे, ये गोल गोल घुमाते रहेंगे और ये जो है ये बंद हो गया और इसको गोल करते हैं। इसको हमने एग में डाला, हाथ गंदे बिल्कुल नहीं करने आपने। इसको कांटे से उठाया, कांटे से नहीं उठा कर, अच्छा डायरेक्ट इसमें डाल दिया, सही। हाथ भी खराब नहीं होंगे, हाथ भी खराब नहीं, ये भी सही है। इस तरह बन गया, कोट करके सही और इसमें डाल देना। अरे वाह, धुआं निकलना, धुआं, ओके ओके, जरा डाले, दो तीन, बताओ आपकी मर्जी, जितना बड़ा आपका पतीला होगा उस हिसाब से आप डाल सकते हो, चार पाँच छह सात, सही है। कितने मिनट में निकालने इसको ये तो बताएं? 5 मिनट से पहले। चलो देखते हैं भाई कब तक बनता है। कलर आता है जैसे कलर आया वैसे निकाल लो। आजा कलर। ये जो बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब कि ये फुल तेज आंच पे बन रहे हैं, अगर कम बबल्स आए तो ये हल्की आंच पे बन रहे हैं और फिर ये टूट भी जाएंगे, चीज निकल जाएगी अंदर से। ये देखो कितना बिल्कुल साबुत तल रहा है अभी तक। चलो भाई जान, हो चुके हैं हमारे चीज बॉल रेडी। आए हाय क्या कलर आया भाई, क्या कलर आया। उम्मीद है आप लोग सीख चुके।